जा, तू भी कुछ खा ले। ये खाना नहीं खा सकता। बरसों पहले भिक्षा से ही पेट भरने की कसम खाई थी। आपसे एक बात पूछनी थी। आपके खा लेने के बाद बहुत सारा खाना बचेगा, क्या मैं गांव वालों को खिला दूं? खिला दे, मेरी बदौलत गांव वालों को इतना लज्जतदार खाना नसीब होगा। उनको भी महसूस होना चाहिए कि दिलावर अली चिल्लाता है पर दरिया दिल है। जा खिला। जी सुना है यहां पर अक्सर लोगों को दावत दिया करता था तू, अब तो ऐसा फिर कभी नहीं कर पाएगा। समझ ले शिरडी में तेरी आखिरी दावत है ये। शुक्रिया। सब अंदर आ जाओ। जरूर सही। आपके हाथ का बनाया हुआ खाना भला कौन नहीं खाना चाहेगा। इस खाने के लिए दिलावर जी का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया दिलावर जी। आओ। मेरा तो पेट भर गया। बहुत ही मजेदार लज्जतदार खाना था। हाथ धुलवा। मैं तेरे लेंडी बाग टहलने जा रहा हूं, वहीं आराम करूंगा, लेकिन याद रहे मेरे आने के पहले यहां का पूरा काम निपटा देना। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हर का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे साहिब, खाना तो खत्म होने वाला है, और लोग आए तो क्या करेंगे? चिंता मत करो, इस द्वार का माई से कोई भी भूखा नहीं जाएगा। ये खाना नहीं,
साई का आशीर्वाद है। देख अप्पा, सुबह से बाईजा ने कुछ नहीं खाया, मैं तो कह कह कर थक गई हूं, अब तू ही खिला सकता है उसे। पता है मुझे, जब तक वो अपने साई को नहीं खिला देती, खुद नहीं खाएगी। बाईजा, बहुत देर हो चुकी है, अब खा लो थोड़ा सा। देखो, अगर साई को आना होता तो अब तक आ जाता वो। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी और ने उसे भिक्षा दे दी हो, या फिर दिलावर ने उसे खिला दिया हो। आज वैसे भी द्वारका माई में भंडारा है उसकी तरफ से। पाइजा, कुछ तो खा लो। खा लेती मैं, लेकिन क्या करूं, माँ हूं मैं उसकी, और मेरा मन कह रहा है कि वो अभी तक भूखा होगा। माँ बेटे दोनों जिद्दी है, कोई भी नहीं सुनेगा। ना आप द्वारका माई जाएंगी, ना आप खाना खाएंगी। पाइसा, आप यहां ऐसे कब तक खड़ी रहेंगी? देखिए, शाम होने वाली है, अब तो आप कुछ खा लीजिए। मतलब सुबह से उसने कुछ नहीं खाया होगा। मुझे अभी जाना होगा, वो जहां भी होगा मैं ढूंढकर उसे खाना खिला दूंगी। पता नहीं साई कहां रह गए, इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई। अब तक साई का इंतजार करती रहेगी, मुझे लगता अब नहीं आएंगे वो। भिक्षा दे माई। देखा साई आए ना। आइए साई, मैं कब से आपकी ही राह देख रही थी। मैंने पहली बार खाना बनाया है, आप इसे जरूर खाइएगा। बड़ी होने के साथ समझदार और जिम्मेदार भी हो गई हो तुम। हाँ साई, पहले मैं इसका ध्यान रखती थी, और अब ये मेरा ध्यान रखती है। बेटी पे गर्व है मुझे साईं। तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ साईं, थोड़ा बुखार है। इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती तुम, अभी बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी हैं तुम्हें। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, राम जी भला करें। अब फुर्सत मिली है भिक्षा टन की। हाँ, यहां से लौटकर खाना खाओगे। साईं, ये कोई समय हुआ खाना खाने का? ऐसा ही चलता रहा ना तो कमजोर हो जाओगे तुम। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा साईं। दिलावर अपना सारा काम तुमसे करवाता है साईं, ऐसे में तुम्हें समय पर खाना खाना होगा। मेरी चिंता मत करो भाईसा। मां, चिंता ही तो कर सकती हूं। जब तुम भिक्षा मांगने नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं द्वारका माई चली जाऊं, लेकिन आज सुबह जो वहां हुआ उसके बाद मुझे वहां जाना ठीक नहीं लगा। ए, जल्दी चला वरना तुझे चला दूंगा मैं।
तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो मेरे साईं से। अब तू आ गई मुझे परेशान करने यहाँ। परेशान तो तुम कर रहे हो मेरे बेटे को, लेकिन अब और नहीं। होगा तेरा बेटा, लेकिन अब ये मेरा शागिर्द है। शागिर्द? यकीन ना आए तो पूछ ले इससे। ये सही कह रहे हैं भाई सामा, अब मैं इनका शागिर्द हूं। ए फकीर, इन लोगों को प्यार से जाने को बोल, और अगर ये नहीं जाते हैं तो इनको धक्के मार के बाहर निकाल। दिलावर जैसा व्यवहार कर रहा है तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है साईं। श्रद्धा और सबूरी रखो बायजामा, जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। और रही बात द्वारका माई की, तो द्वारका माई तो सबके लिए है बायजामा। अगर मैं ना भी रहूं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसकी देखभाल करें। आपको ही ये सुनिश्चित करना होगा कि द्वारका माई हमेशा ऐसे ही खुली और सुरक्षित रहे सबके लिए। एक ऐसी जगह जो सबके लिए घर जैसी हो। वादा करो मुझसे साईं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कहीं जा रहे हो, और मैं वहां रहूं या ना रहूं से क्या मतलब है तुम्हारा? विश्वास है ना मुझ पर? खुद से ज्यादा। तो वादा करिए। अगर तुम कह रहे हो तो मैं वादा करती हूं, लेकिन तुम भी मेरी बात सुन लो साईं। मेरे लिए और शिरडी के बाकी लोगों के लिए तुम और द्वारका माई अलग नहीं हो, एक हो। तुम हो तो द्वारका माई है, हम सब हैं। मेरे लिए खाना लाई हो ना? तुम्हारी बातों में तो मैं भूली गई थी। चलो बैठ जाओ, यहीं खिला देती हूँ तुम्हें। हाँ नहीं भाईजामा, अब मैं किसी का शागिर्द हूँ, मुझे उन्हीं के साथ खाना होगा। अल्लाह मालिक। एक रुपया वेतन, एक मुश्त रकम पेश की, मुफ्त में खाने के साथ साथ रहने के लिए घर भी, वो भी बंबई में। नौकरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? देखो, मैं अपना काम छोड़कर बंबई में किसी के बच्चे को संभालने नहीं जाने वाला है। मति मारी गई है आपकी, मैं भला आपको क्यों भेजूंगी? भेजना तो आपकी बहन को है। आप और उसकी बेटी का क्या, और कुलकर्णी वाड़ा की नौकरी कौन करेगा, और हमारे घर का काम कौन करेगा? भूल गई तुम जब अपने हाथों से घर का काम करती थी तो कितनी हालत खराब हो जाती थी तुम्हारी। आप बेकार में ही चिंता कर रहे हैं, मैंने सब कुछ सोच लिया है। बंबई जाएगी आपकी बहन, और उसे मिलने वाले पैसे हमें मिलेंगे। और रही बात मेरी सहूलियत की और कुलकर्णी वाड़ा के काम की, तो उसके लिए आपकी भांजी है ना, देखा नहीं आज उसने घर का सारा काम कर लिया और खाना भी बनाया है। ख्याल तो बहुत अच्छा है। ये ख्याल ख्याल बनकर ही ना रह जाए, इसीलिए आप अब भी जाइए और नंदलाल जी से बात पक्की कर कराइए, वरना यहाँ काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। चला तो मैं जाऊंगा, पर क्या सुलभा अपनी बेटी से अलग होगी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जाइए और बात तय कर कराइए। जाइए। आप जाता हूं। ए फकीर,
जितना समझदार दिखता है ना उतना तो है नहीं, क्योंकि रवायत रस्मों रिवाज सब भुला दिया तुमने। तुझे ये भी मालूम नहीं कि शागिर्द होने के नाते जो कुछ भी मिलता है सबसे पहले उसे उस्ताद को पेश किया जाता है, और तेरा उस्ताद होने के नाते मैं तुझे तेरा हिस्सा दूंगा। क्या ये भी बताना पड़ेगा तुझे? जी आइंदा ख्याल रखूंगा। ये लीजिए। ले, ये ले, तू भी अपना पेट भर ले। ओ सबक सबूरी के ही जिसने सिखा उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए साई मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साई हंस के उठाए मन में साई के क्या है कौन जान पाए। फकीर, मैं तुझे बेइज्जत करके इतना मजबूर और बेबस कर दूंगा कि तू खुद ही तंग आकर अपनी अच्छाई का नकाब उतार फेंकेगा, सबको अपना असली चेहरा दिखा देगा, और उस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। लक्ष्मी, तू इस समय यहाँ? हाँ, आजकल तुम बहुत व्यस्त रहते हो, इसीलिए तुमसे मिलने मैं यहाँ आ गई। वैसे तू थी कहाँ? यही तो हूँ, और कहाँ जाऊंगी। तुम्हें दूसरों की मदद करने से समय नहीं मिलता। वैसे कब जा रहा है तुम्हारा वो बिन बुलाया मेहमान? लक्ष्मी, ऐसा नहीं कहते, वो मेरे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव, हमारे घर का मेहमान हमारे लिए भगवान के समान होता है। उनसे ऐसा पूछना तो छोड़ो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तुम उसे जाने मत बोलो, पर तुम अपने चमत्कार से तो उसे गायब कर सकते हो ना। गायब कर देने से चीजें दिखाई देना बंद हो जाती हैं, पर रहती तो वही है ना। बात तो सही कह रहे हो तुम साई, कुछ भी करो लेकिन हमें हमारी द्वारका में ही वापस चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था लक्ष्मी कि द्वारका माई अभी भी सभी की है, तुम्हारा वहां स्वागत है, तुम जब चाहे वहां आ सकती हो। लक्ष्मी। हाँ बोलो। ये लो। अब एक बार मुस्कुरा तो दो।
साई का शुक्रिया अदा करके घर जाना ही मुनासिब होगा। उनसे कुछ दिन ना मिलो तो ऐसा लगता है एक लंबा अरसा गुजर गया। हाँ। सलाम वालेकुम। लगता है आप भी साई से मिलने के लिए आए हैं। हम लोग एक रिश्तेदार की शादी में शरीक होने के लिए एक दो हफ्ते के लिए शिरडी से बाहर गए हुए थे। गांव लौटते ही सोचा कि साई से मिलते चलें। साई कहाँ है? उस फकीर के चाहने वालों की कमी नहीं है शिरडी में। कोई भी चैन से सोने नहीं देता। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है उसे ढूंढते हुए। तुम लोग शिरडी में नहीं थे इसलिए बता रहा हूं। थी ये कभी द्वारका माई, लेकिन अब ये दिलावर का दरबार है। मजाक कर रहे हैं ना आप? ये द्वारका माई हमेशा हमारे साईं की है और रहेगी। क्या मैं दूसरी जबान में बोल रहा हूं जो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? ये अब दिलावर अली का दरबार है। और रही बात तुम्हारे उस साई की, तो वो अब मेरा शागिर्द है। वो मेरा हर काम काज देखता है, मेरे हुक्म की तामील करता है ताकि वो मुझसे कुछ इल्म हासिल कर सके। शिरडी के बासिंदे अपने तकलीफों से निजात पाने के लिए मुझसे मशविरा लेने आते हैं। ए फकीर, अच्छा हुआ जो तू आ गया। बता इन्हें कि अब तू मेरा शागिर्द है और फौरन इन्हें यहां से दफा होने के लिए बोल। सलीम, रिहाना, कैसे हो तुम लोग? और शादी कैसी रही तुम्हारी बहन की? तफसील से बताएंगे साईं। पहले ये बताइए कि दिलावर जी जो कह रहे हैं वो सही है? सही कहा इन्होंने, लेकिन तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल मजे में हूं। तुम बताओ रिहाना, कैसा रहा निकाह? आपकी दुआ से बहुत अच्छे से हो गया साईं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जी नहीं लग रहा था वहां पर। किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी मुझे। बाद में एहसास हुआ वो कमी आपके ना होने की थी साईं, आपकी मौजूदगी, आपकी दुआ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे शिरडी की ढाल बनकर हिफाजत करती है। आप ही शिरडी की रूह है साई। आप इस शिरडी में मौजूद है यही सोचकर दिल को सुकून मिलता है। मैं नहीं रिहाना, शिरडी के लोगों ने श्रद्धा और सबूरी को अपनी ढाल बना लिया है। कोई भी इंसान जहां वो रहता हो, भले ही वो राजा महाराजा क्यों ना हो, जिस जगह पर वो रहता है उस जगह से बड़ा नहीं होता। राजा महाराजा भी आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन कोई भी जगह जहां के लोग श्रद्धा और सबूरी रखें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए सद्भावना करें, मदद करें एक दूसरे की, वो जगह हमेशा समृद्ध रहेगी। ऐसे ही शिरडी भी है। फिर चाहे मैं यहां रहूं या ना रहूं। आप कुछ भी कह देते हैं साई, शिरडी को छोड़कर आप भला क्यों जाने लगे? इस गांव का हर शख्स आपका है और आप हमारे, हम सबके हैं साई। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हम सबसे जुदा नहीं कर सकती। ए फकीर, अब बातचीत ही करता रहेगा या कुछ काम करने का इरादा भी है तेरा? हाँ? चल झाड़ू मार जाके। अब तुम लोग जाओ, किसी दिन फुर्सत से बात करेंगे, मुझे कुछ काम करना है।
आखिर ये हो क्या रहा है? साईं इसका हर हुक्म मान क्यों रहे हैं? अल्लाह ही जाने, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर साईं ये सब करने के लिए राजी क्यों हुए? तो फिर सौदा पक्का? केवल एक बात जिस पे मैं शुरू से जोर दे रहा हूं, उसे बंबई अकेले जाना होगा जी। कोई बच्चा बच्चा तो नहीं है ना? आप तो बेकार भी परेशान हो रहे हैं सरकार। सुलभा के पति के गुजर जाने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे ससुराल से निकाल दिया। वो अपना गुजारा करने के लिए बस वो नौकरानी का काम कड़ी मेहनत से करती है सरकार। यहाँ काम करके कुछ भी पैसे नहीं बचते सरकार, इसलिए इस काम के सहारे अपने बुढ़ापे के लिए कम से कम चंद रुपए तो जोड़ लेगी बेचारी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उसे मैं अपने साथ खुद बंबई ले जाऊंगा। हाँ, और एक बात जी, ये रही पेशगी की रकम। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबक सबूरी के ही जिसने सिखा, उसी की परीक्षा के ये पल है आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साई मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साई हंस के उठाए, मन में साई के क्या है कौन जान पाए। दो तीन निवाला ही खाया है इसने, लेकिन फुर्ती और ताकत तो देखो इसकी। इसे और कठिन परिश्रम करवा के इसकी हिम्मत तोड़नी पड़ेगी। ए फकीर, इधर आ। जी आता हूं। आता हूं? जब कहा जाए आ तो फौरन हर काम छोड़ के आना चाहिए। अपने मुर्शिद को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जी, ये बात तू मानता है ना? ये जगह अब मेरा दरबार है। जी हाँ। इसलिए तुझे ऐसा नहीं लगता कि हकीकत में अब यहां दरबार लगना चाहिए? सुन, अब मैं शिरडी के बाशिंदों को जिंदगी के फलसफे समझाऊंगा, ताकि तुझ जैसा शिरडी का एक मामूली इंसान भी मेरे सोहबत में रह के इल्म हासिल कर सके, कुछ सीख सके। जी बिल्कुल, आपसे सीखना तो शिरडी के लिए वाकई फख्र की बात होगी। बेहतर कहा तूने, तो फिर अभी के अभी शिरडी के हर घर में जा और लोगों को इत्तला दे, बुला उन्हें। लेकिन याद रख, कल यहां मेरा दरबार लगेगा, इसलिए तो जितने लोगों को बुला सकता है बुला ले। फौरन यहां लौट कर आ और दरबार की तैयारी कर। जी बहुत अच्छा। और सुन फकीर, तू मेरे काम के लिए जा रहा है, इसलिए तू किसी से भीख नहीं ले सकता। अब होगी तेरी कुवत और ताकत की आजमाइश। देखता हूं इस कड़ी धूप में दो चार निवाला खाकर कितनी देर तक टिकता है तू। आओ आओ साई, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कल दिलावर जी का दरबार लगेगा, आप लोग जरूर आना। अवश्य साईं, आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। चलता हूं। पर साईं, भिक्षा तो लेते जाइए।
आप सब लोग अपने परिवारों को साथ में लेकर आइएगा। मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा अनुभव होगा सबके लिए। जी साईं। और जिन लोगों को आप जानते हैं उन्हें भी आने का न्योता दीजिए। बिल्कुल आएंगे साईं। आप धूप में चलकर थक गए होंगे, थोड़ा आराम करके कुछ खा पी लीजिए और फिर जाइए। अभी बहुत से लोगों को आमंत्रित करना है और समय भी कम है, चलता हूं। आप सब लोग जरूर आइएगा। साई उस दिलावर के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? साई ने इतने दिनों में कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जो अकारण हो। यहां भी कोई ना कोई तो कारण होगा, समय आने पर ही समझ में आएगा हमें। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.